सर। तो पावर बीआई की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन। हमने अभी तक डेटा कनेक्टिविटी पढ़ा, हमने आपको बेसिक कंसेप्ट सारे पढ़ाए, और हम बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन की, मतलब कि यहाँ पे हम रिपोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो अब एक चार्ट पे, एक डेटा पे कई सारे रिपोर्ट्स आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सेल्स क्वांटिटी का एक हम सीट बना देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सेल्स क्वांटिटी रिलेटेड यहाँ पे विजुलाइजेशन हो। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मुझे फिगर आउट चाहिए कि किस मंथ में कितना सेल हुआ है। तो हमारे पास बेसिकली दो टेबल है, राइट। मान जी लीजिए सर, पहले वाले टेबल पे क्लिक करते हैं, तो टेबल पे पहले वाले पे क्लिक करते हैं, आपके यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने यहाँ से उठाया नेम को और यहाँ पे रख, और वैल्यू को उठाया और वापस इसमें रख दिया, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू का टोटल दिख रहा है, राइट सर। राइट सर। लेकिन स्क्रीन थोड़ी सी छोटी दिख रही है, मतलब कि ये उतना विजुलाइज नहीं है। फोकस मोड यहाँ दिख रहा है आपको, फोकस मोड पे क्लिक करने पे बड़ा तो हो जाता है, लेकिन फिर वो बाकी चीजें भी तो नहीं दिखेगी ना, ये फोकस मोड कहते हैं इसको। अब बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम इसको क्या बड़ा कर सकते हैं। अब कॉस्ट बड़ा कर सकते हैं, यहाँ जो आपके सामने फॉर्मेट का निशान आ रहा है, इसमें हमें फॉर्मेटिंग की पूरी है। अब इसे हर कैटेगरी के यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट इस टेबल से रिलेटेड है। तो यस सर, हम जनरल पे आते हैं, तो जनरल में पोजिशन वगैरह होते हैं, कुछ खास इसमें होता नहीं है, राइट सर। उसके स्टाइल पे हम आते हैं, तो स्टाइल आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, मिनिमम चाहिए, बोल्ड रीडर चाहिए, तो ये अलग अलग आपके स्टाइल है। अल्टरनेट रो को हाईलाइट करना है, या स्पेयर्ड है, या आपका ये आपका है, तो जिस तरह की चीजें आप स्टाइल चाहते हैं वो स्टाइल आपके सामने आएगा, जो स्टाइल आपको पसंद है वो यूज करें, राइट। अब स्टाइल के बाद आता है ग्रिड, ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, इस लाइनिंग की कलर का फॉर्मेटिंग, माने आपको वर्टिकल ग्रिड रखना है या नहीं रखना है। नहीं रखना है तो हट जाएगा, कॉलम वाला जो ग्रिड होता है वो हट जाएगा। अब ग्रिड की कलर क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कलर जो है ब्लैक हो, ठीक है, और इसकी मोटाई कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड की कलर भी हम चाहते हैं कि ब्लैक हो, है सर। और इसकी यस विड्थ भी सर, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है टेक्स्ट की साइज, जो टेक्स्ट है उसकी साइज क्या होनी चाहिए, यही पे आप बड़ा और घटा कर सकते हैं। इमेज की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो कोई इमेज इसमें है तो ठीक। उसके बाद यहाँ पे कॉलम की हीडर है, जो कॉलम हीडर्स हैं क्या उसकी, मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर कुछ और हो, तो आप यहाँ से अपना ब्लैक के हाँ जगह, ये सर, ये आपने कवर कराए थे ये पॉइंट। हाँ मैं बताया था, कुछ शुरू से कर रहा हूँ मैं आपको, बीच ओके में सर, कंटिन्यूअस नहीं रही थी ना, इसलिए काफी दिन बाद आया, पीछे की चीजें भूल गए होंगे। तो यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट है, आप लेफ्ट करें, सेंटर करें, या ऑटोमेटिक रहने दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रैप टेक्स करना है ना करें, वैल्यू के ऊपर आए, तो जो वैल्यू टाइप है उसकी कलर फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। नीचे जो टोटल दिख रहा है, टोटल में क्या होना चाहिए, टोटल की जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पे सेल्स QTY करना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी जो कलरिंग है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, फील्ड की इंफॉर्मेशन क्या रखना है वो चीज हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, टाइटल बैकग्राउंड देना है या नहीं देना है ये डिसाइड कर सकते हैं, बॉर्डर देना है नहीं देना है, बॉर्डर मतलब कि जो आपका या इसका बॉर्डर, ठीक है, ओके इसका बॉर्डर हम देते हैं ताकि जो है ये पूरा इस तरह से दिखे बॉर्डर में, इसलिए बॉर्डर देते हैं। तो लाइन लाइनिंग नहीं, बॉर्डर नहीं होता है बीच में, साइड के लाइनिंग से एक्सेल में होता है, बॉर्डर नहीं होता है। अब इसमें एक छोटे एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कि मैंने टेबल को वापस एक और टेबल रखा, और इस बार मुझे रिपोर्ट चाहिए कि किस पर्सन ने किस सिटी में कितना क्वांटिटी सेल किया। तो पर्सन रख दिया, और हमने यहाँ पे मान लीजिए सिटी क्वांटिटी रख, सिटी रख दिया, और इसमें मैंने क्वांटिटी रख दिया, तो क्या होगा।
अब ये देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इस तरह से आरसर आ रहा है क्योंकि ये रिपीटेड आएगा। इसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैट्रिक्स, दिख रहा है सर? यस सर। तो मैट्रिक्स जैसे पिवट टेबल में होता है ना, उस तरह से आपका ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ जाता है। आ गया मैट्रिक्स फॉर्मेट में? यस सर। अब यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मेट में होते ही यहाँ पे देखेंगे रोज एंड कॉलम दो टीका, इसमें ध्यान सिर्फ एक था, सिर्फ वैल्यूज था, बट इसमें आपका रोज एंड कॉलम दोनों आ गया। राइट? यस सर। ये चीजें आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिटी यहाँ पे रखना है। अगर मान लो कि अब उल्टा हो गया, सिटी अलग करना चाहते तो अलग कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं तीन दो रख सकता हूँ, मैंने मैंने यहाँ पे एरिया रख दिया, तब क्या होगा? अब एरिया को मैंने यहाँ पे रख दिया तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप इसी एरिया को उठा के अगर मैं रो में रख दू तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको आ जाता है। आगे? यस सर। तो क्या एरिया को मैं क्वांटिटी में रखूंगा तो भी ड्रॉप डाउन आता है? नहीं, तब ड्रॉप डाउन नहीं आता है। हाँ, बट यहाँ पे डी डाउन आता है। ठीक है सर? यस सर। एरिया आ गया तो इस तरह से ड्रिल आ जाता है। तो कोलैप्स ओके। वाला ऑप्शन कब आता है? जब आप रो में दो फील्ड को रखते हैं। अगर कॉलम में दो से ज्यादा फील्ड रखते हैं तो फिर वो आपको ड्रिल डाउन आता है, जिस कारण से अपना वो क्लिक करके एरो निशान के यूज करते हुए आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? डन सर। डाउट तो नहीं इसमें? नो। तो हो गया। अब वैल्यू के ऊपर आ गया। अब कैलकुलेशन मगर आप यहां से चेंज कर सकते हो, जिस तरह की कैलकुलेशन चाहिए आप यहां से चेंज कर सकते हो। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, वो आता है फॉर्मेटिंग का। राइट? यस। तो फॉर्मेटिंग में जैसे आप फॉर्मेट किया उसी तरह से आपको यहां भी फॉर्मेटिंग होता है। ओके सर, कोई चेंज नहीं है इसमें। इसमें है कि सब टोटल और एक आपका ग्रांड टोटल आता है, दो चीजें हैं। बाकी बिल्कुल सही है, एरिटिक से पूछ रही है। बट इसमें एक चीज है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके ओके। अब अगली टॉपिक हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहेगी।